अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एट योर होम। आई एम फोर क्लास टीचर फ्रॉम अमेरिकन इस्लामिक स्कूल सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। सो ओपन योर बुक्स नाउ। आज का हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, मेजरमेंट्स यानी पैमाइश करना या मापना। ठीक है, आज की हम अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 108 पर। हमारी डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स टू मीटर्स, के किलोमीटर्स को मीटर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। टू कन्वर्ट लार्जर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट्स, बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। वी ऑलवेज मल्टीप्लाई द लार्जर यूनिट विद द कन्वर्जन फैक्टर्स, के कन्वर्जन फैक्टर को हमेशा बड़े यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास है कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें दिया 3 किलोमीटर को हमने मीटर्स में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे चेंज करेंगे? 3 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करने के लिए 3 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3000 मिलीमीटर यानी इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। हमने 3 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है, तो 3 को हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 3000 मीटर्स इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, के साथ अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। पेज नंबर हमारे पास है 110। इसके बाद हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू किलोमीटर्स, कि मीटर्स को किलोमीटर्स में कैसे चेंज करते हैं। टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट्स टू लार्जर यूनिट्स, छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट्स में तब्दील करने के लिए वी ऑलवेज डिवाइड द स्मॉलर यूनिट बाय द कन्वर्जन फैक्टर, के जो कन्वर्जन फैक्टर होता है उसको हम छोटे यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1000 मीटर्स में हमारे पास 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 1000 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि नज़र आ रहा है आपको कि 1 को 1000 के साथ डिवाइड किया तो 0.001 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, के साथ ही चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू सेंटीमीटर्स, के मीटर्स को सेंटीमीटर्स में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। मीटर इज़ अ लार्जर यूनिट एंड सेंटीमीटर इज़ अ स्मॉलर यूनिट, के जो हमारे पास मीटर है वो हमारे पास बड़ा यूनिट होता है और जो सेंटीमीटर है वो हमारा छोटा यूनिट होता है। देयरफॉर इसलिए वी कन्वर्ट मीटर्स टू सेंटीमीटर्स वी मल्टीप्लाई बाय द कन्वर्जन फैक्टर 100। इसीलिए जब हमने मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना होता है तो जो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर होता है उसको हम हमेशा 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है। स्टूडेंट्स, साथ ही यहाँ एग्जाम्पल्स दी हुई है, एग्जाम्पल्स में देखें हमारे पास 9 मीटर है, हमने 9 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हमारे पास 9 मीटर है, जो है फैक्टर्स को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट पेज 111 पर चलते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर है, तो हम 1 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.01 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट जो है डेफिनेशन पर चलते हैं, पेज नंबर 111, कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कैसे चेंज किया जाता है। व्हेन वी कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर वी मल्टीप्लाई बाय द कन्वर्जन फैक्टर 10, कि जब हमने किसी अमाउंट को किसी सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में चेंज करना होता है तो कन्वर्जन फैक्टर जो हमें दिया था उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, हमारे पास 5 सेंटीमीटर है जिसको हमने मिलीमीटर्स में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 मिलीमीटर यानी इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने सेंटीमीटर्स को मीटर्स मिलीमीटर्स में चेंज किया कि 5 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट जो है डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलरली यूनिट्स ऑफ लेंथ, दैट इज़ किलोमीटर्स आर एडेड टू किलोमीटर्स, मीटर्स टू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स टू मीटर्स। यानी इसका मतलब है कि जब हम एडिशन यानी कि प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी अगर माइनस करना होता है तो हम सेम अमाउंट्स बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर इन्होंने कॉलम बनाया हुआ है किलोमीटर्स
कि जो अमाउंट्स हैं उनको हम सेम कॉलम में लिख लेते हैं और जो मीटर्स की अमाउंट है उसको हम सेम कॉलम में लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं। जो एडिशन है उसका एडिशन के साथ और जो माइनस है उसको माइनस के साथ। यहाँ पर देखें 25 किलोमीटर 376 सेंटीमीटर प्लस 81 किलोमीटर 123 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें डिफरेंट मतलब किलोमीटर और सेंटीमीटर्स की दी हुई है। हम ऊपर कॉलम बनाएंगे किलोमीटर्स का अलग और सेंटीमीटर का अलग। जो किलोमीटर्स की अमाउंट होगी उसको सेम कॉलम में लिखेंगे और जो सेंटीमीटर्स की अमाउंट होंगी उनको सेम कॉलम में लिख के हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।